अगर होटल बंद कर दिया जाएगा हम कहाँ जाएंगे, बड़े बड़े होटल खोला जाएगा उसमें हमारा औकात तो है नहीं कि हम खा सकते, उतना मालिक देगा नहीं है ना, हम वैसा कर पाएंगे। आज बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 8 की, जो कि गवर्नमेंट ने अभी एक नया कानून पास किया है कि हाईवे पे जितने भी होटल होंगे बंद, जो भी NH 4 हो, 1 हो, 8 हो, जितने भी NH हो, सब होटल बंद होंगे। क्योंकि एक नया पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाला था, अभी आपने देखा होगा कि उस टाइम ये अपना ये जैसे ये होटल हैं सब सर्विस रोड वाले, ये खाली नीचे चालू रहे, जो मेन हाईवे के होटल हैं वो सब बंद होंगे। अभी आपने देखा होगा हरियाणा में एक किसानी आंदोलन में गोल्डन हट राम सिंह राणा का होटल बंद किया था, तो हल्ला हुआ था कि ये होटल क्यों बंद हुआ। उस होटल का कारण यही था कि जब बाद में मालूम पड़ा कि वो होटल सिर्फ उसको किसानी आंदोलन की वजह से नहीं बंद किया था, वो होटल को बंद किया था कि हाईवे पे जितने भी NH नेशनल हाईवे हैं जितने भी, सब ये बंद होंगे, क्योंकि उसमें गाड़ियाँ जैसे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, जैसे गाड़ियाँ चढ़ती हैं उतरती हैं नीचे को, तो इसके लिए एक्सीडेंट बहुत होते हैं। ये कानून 2020 जून में ही पास हो गया था, लागू अभी कर रहे हैं, अभी हरियाणा से चालू हुआ है, उधर से होते होते अभी पूरे ये NH 4, 8 जो वन हैं, जो भी NH के हैं केंद्र सरकार के अंडर में जो हाईवे आते हैं वो सब बंद होंगे। इसमें अभी बहुत ढाबे वाले बेचारे मार खाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो खुले वो रखेंगे, जैसे बड़े बड़े जैसे एक्सप्रेस पे आके रिलायंस के हैं या दूसरे हैं, ये चालू रहेंगे। जो ढाबे वाले बेचारे हैं उनका ये होटल बंद होंगे, ढाबे उनके लिए अभी बेरोजगारी और बढ़ेगी। कितने आदमी उसमें काम करते हैं, तो ये तो कुछ पहले कानून बनाने से ये सोचते नहीं कि ये जाएंगे कहाँ, कितने उसके साथ में लोग जुड़े हैं, ये कुछ गवर्नमेंट सोचती नहीं कानून बना देती है। अभी सभी ढाबे बंद होंगे जितने भी NH हाईवे पे हैं। ठीक है मेरा भाई, अगर ये वीडियो सही लगे तो इसे शेयर करें। ये अपने कुछ ड्राइवर भाई भी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये होटल बंद होंगे तो इनसे क्या तकलीफ होगी। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। ये जो अभी गवर्नमेंट ढाबे बंद कर रही है NH पे, तो इससे आपको क्या तकलीफ होगा? तकलीफ बहुत है, तकलीफ क्यों नहीं रहेगा। अगर होटल बंद कर दिया जाएगा हम कहाँ जाएंगे, बड़े बड़े होटल खोला जाएगा उसमें हमारा औकात तो है नहीं कि हम खा सकते, उतना मालिक देगा नहीं है ना, हम वैसा कर पाएंगे। इसके लिए तो कोई सुविधा होना चाहिए ना, मेरे पास सुविधा का थोड़ी चलने वाला है। हाँ भाई, तुम्हारा भाई क्या नाम? हम लोग, मेरा नाम मैनुद्दीन है। तो अभी जैसे गवर्नमेंट ने नया कानून निकाला है कि होटल बंद होंगे, तो आपको क्या आप सोचते हैं उसके बारे में? क्या सोचते हैं, क्या दिन भर चलते हैं, रात भर चलते हैं, खाना खाने के लिए एक समय रुकते हैं, खाना खाते हैं, खाना नहीं खाएंगे तो गाड़ी क्या चलाएंगे? ढाबा बंद हो जाएगा तो बड़ा बड़ा होटल है इसमें महंगा खाना मिलता है, कैसे खाएंगे? 400 रुपया 200 रुपया मिलता है खाने के लिए, इतने में वो 500 रुपया 600 रुपया एक समय का लेगा खाना का, क्या खाएंगे क्या चलाएंगे गाड़ी, बहुत तकलीफ है सर। चलो, ये थी ड्राइवरों के विचार। तो अभी देखो क्या होता है आगे। अभी चालू तो किया गवर्नमेंट ने हरियाणा से ढाबे बंद करने, ये थे ड्राइवरों के कुछ विचार। ठीक है मेरा भाई, अगर ये वीडियो सही लगे तो इसे शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।